तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये मेरे पास आईटेल का मोबाइल है और ये कीपैड वाला मोबाइल है। इस मोबाइल के अंदर में जो है सिक्योरिटी लॉक लगा हुआ है और इस मोबाइल को जब हम मिरेकल बॉक्स से अनलॉक करते हैं, इसका जो पासवर्ड उसे हम रीड करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे पोर्ट एरर और अनसपोर्ट का मैसेज आता है। तो दोस्तों इस मोबाइल को हम अनलॉक करेंगे मिरेकल बॉक्स से और इसका जो तरीका है थोड़ा अलग से है, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कैसे हमें इसे अनलॉक करना है। दोस्तों अगर आपको जानना है तो फिर इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे X19 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा और अभी तक आपने इस बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, इस घंटे को आपने अभी तक नहीं दबाया, इस घंटे को आप जरूर दबाएं। इससे क्या होगा, जब भी कोई नई वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे, इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप आसानी से देख सकेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम अपने पहले मिरेकल बॉक्स को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं इस मोबाइल को अनलॉक करने के लिए, और हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे अनलॉक करने का कितना तरीका है और कौन कौन से मेथड आपको सेलेक्ट करना है। जैसे आप मान के चलिए कि आप किसी बूट नंबर को आप सेलेक्ट करते हैं मीडियाटेक का या एमटेक का एसपीडी का, तो उसमें आपको मेथड भी आपको सेलेक्ट करना होगा। मेथड मतलब यानी आपको कंपनी सेलेक्ट करना होगा, इस कंपनी का मोबाइल है तो उस कंपनी को भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए पहले इस मोबाइल को मीडियाटेक का है तो इसका बूट नंबर हम यहाँ पे 7 सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इस मोबाइल को जो है रीड अनलॉक करेंगे, यानी इसका जो सिक्योरिटी है इस सिक्योरिटी को हम यहाँ पे रीड करने की कोशिश करेंगे। और जैसे हमने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, उसके बाद सिंपली हमें अपने मोबाइल को बूट कराना है। तो मीडियाटेक का अगर सीपीयू है तो मीडियाटेक के लिए आपको बूट कराने का तरीका वही है कि आपको डायरेक्ट मोबाइल को ऑफ कर देना है, उसके बाद डाटा केबल लगाना है, बैटरी लगाना है, बूट कर जाएगा। या तो फिर आप मोबाइल को ऑफ कर दें और बैटरी लगा दें, उसके बाद डाटा केबल लगाएं, आपका मोबाइल बूट करेगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने मोबाइल को बूट कराया, उसके बाद यहाँ पे पोर्ट एरर लिख रहा है। ठीक है, चलिए दोबारा फिर से हम यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोबारा हमने फिर से ट्राई किया तो फिर से यहाँ पे पोर्ट एरर लिख रहा है। तो इसमें अब हमको करना क्या है कि हमें यहाँ पे कंपनी सेलेक्ट करना है, मेथड सेलेक्ट करना है कि हमारा मोबाइल कौन कंपनी, हमारा मोबाइल आईटेल कंपनी का है तो हम यहाँ पे आईटेल सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए फिर से हम यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने फिर से ट्राई किया, जो यहाँ पे कंपनी का जो मेथड था वो उसे हमने सेलेक्ट किया, फिर भी यहाँ पे जो पोर्ट एरर लिख रहा है, तो यहाँ पे रीड अनलॉक नहीं हो रहा है। तो अब हमें इसे करना क्या है कि इसका सिक्योरिटी अनलॉक करने के लिए हमें फॉर्मेट पे जाना है और सेव मोड को हटा देना है, उसके बाद ऑटो फॉर्मेट हमें यहाँ पे करके देखना है कि हमारा ये मोबाइल जो है बूट करता है कि नहीं और इसका जो सिक्योरिटी कोड है वो अनलॉक होता है कि नहीं। चलिए हम एक बार फिर से यहाँ ट्राई करते हैं और यहाँ पे हमें जो बैकअप लेने के लिए कहा जा रहा है तो बैकअप हम नहीं लेंगे और हम यहाँ पे नो कर देंगे और उसके बाद हमें मोबाइल को बूट कराना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा मोबाइल यहाँ पे जो है बूट कर चुका है और यहाँ पे जो है फॉर्मेट हो रहा है, ऑटो फॉर्मेट हो रहा है और हमारा यहाँ पे सिक्योरिटी जो है इस तरह से अनलॉक हो जाएगा। तो कभी भी अगर आपके पास किसी भी कंपनी का मोबाइल में अगर इस तरह का बूट एरर या पोर्ट एरर अगर आपको लिखे इस तरह का प्रॉब्लम आए तो उस कंपनी का आप मेथड सेलेक्ट करें और अगर रीड अनलॉक नहीं हो रहा तो आप उसे ऑटो फॉर्मेट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।